डॉक्टर शंकर रेड्डी कोले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामदयाल मुंडा केंद्रीय लाइब्रेरी द्वारा यूजिंग जोव इन क्लासरूम जर्नल ऑफ विजुअलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स संबंधित इस राष्ट्रीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दृष्टव्य प्रोफेसर आलोक श्रोत्री जी, प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर पूनम शर्मा, प्रोफेसर राकेश सिंह जी, प्रोफेसर तरुण ठाकुर, प्रोफेसर मूर्ति एवं विश्वविद्यालय के अन्य सभी सम्मानित शिक्षकगण, शोध छात्र और हमारे सभी विद्यार्थी जिनका संबंध पुस्तकालय से होता ही होता है। हम आप सभी जानते हैं कि पुस्तकालय की कितनी महत्ता है जीवन के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में और विषय बोध के संदर्भ में। यह जो जर्नल ऑफ विजुअलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स है, हम कोविड के दौर में तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं अध्ययन और अध्यापन में। आप कह सकते हैं कि टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी का समन्वय करने का यह दौर चल रहा है। आजकल ब्लेंडेड मोड से पढ़ाई की बात होती है और विशेष करके अभी जब तक आवागमन सुव्यवस्थित नहीं होता और कोरोना का भय पूर्णतः निर्मूल नहीं होता, तब तक ब्लेंडेड मोड अथवा कंप्लीटली ऑनलाइन मोड से ही अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया चली। इस संदर्भ में हमें अपने विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेनी होती हैं। स्वाभाविक है कि संशय की स्थिति में हम पुस्तकालय तक नहीं जा पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हम क्लासरूम टीचिंग से अभी दूर हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का शब्द आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है और ऐसे जर्नल्स भी आ गए हैं जिसमें दृश्य श्रव्य माध्यम से तैयार हैं बहुत सारे प्रयोग जिनका हमें परीक्षण करते रहना है अथवा अध्ययन करते रहना है। वस्तुतः इस दौर में लैब में जाकर प्रयोग करने की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसे भी अब कंप्यूटर के माध्यम से सब क्रिटिकल स्टेज पर जाकर के हम देखते हैं या कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस पर विचार होता है। वे विद्यार्थी जिन्हें शोध की पूर्णता करनी है, अपना शोध कार्य कंप्लीट करना है, फाइनल टच देना है, उनके लिए भी कोई लेटेस्ट जानकारी चाहिए, इसके लिए भी जो विजुअलाइज एक्सपेरिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा उपादेय भी हैं, उपयोगी भी हैं। इनके माध्यम से नूतन तकनीक से हम अवगत होते हैं, साथ ही इसमें बहुत कुछ सुनने के लिए भी आपके पास होता है जिसे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसलिए जो जॉब है जिसका प्रयोग हमें क्लासरूम में करना है, आज के दौर का अत्यंत उपयोगी अवलंब है अध्ययन और अध्यापन दोनों के लिए। विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी ही उसकी प्रमुख पहचान होती है जहाँ तक ज्ञान पुंज का अथवा ज्ञान कोश का संदर्भ होता है या संबंध होता है। जहाँ लाइब्रेरी उन्नत कोटि की होती है तो उतने अधिक ज्ञान की धाराएँ भी प्रवाहित होती रहती हैं। जो भी नूतन प्रयोग होते हैं पुस्तकालयों से संबंधित, वह हमारे पास रहें, उसका हम प्रयोग करें तो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए और अकादमिक उन्नयन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, इसमें नवाचार की सुविधाएं हैं, शिक्षा के माध्यम से सामर्थ्य अर्जित करना है और नित्य नूतनता का हमें खोज भी करना है, बोध भी करना है और नूतनता के माध्यम से जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उसे आगे बढ़ाना है। जैसे श्लोक को लोक तक लाया गया, उसी तरह मंत्र को मानस तक लाना है, जन सामान्य तक लाना है, अर्थात जो प्रयोग होते हैं प्रयोगशालाओं में उसे जमीन तक उतारना है। जो अन्य विषयों में शोध कार्य हो रहे हैं उसके निष्कर्ष को नीति नियामकों तक ले जाना है, जन सामान्य तक ले जाना है और शिक्षा में हमें वह दौर देखना है अध्ययन अध्यापन के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से, जो हमें वह रास्ता देता है जिस पर चलकर हम ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनेंगे।
आवश्यक है कि हम पुस्तकालय में जाकर पुस्तक अवश्य पढ़ें। आवश्यक है कि जो जर्नल ऑफ विजुअलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं इनका हम अधिक से अधिक प्रयोग करें, तभी हम तकनीकी का आज के दौर में शिक्षण संस्थान में अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में समावेश कर सकेंगे। यह बहु उपयोगी है। आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज का दौर है, इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज का दौर है, तो ऐसे में इस प्रकार के जो जर्नल हैं वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, इसे रोक करके समझ सकते हैं और इसमें से बहुत कुछ अंकित कर सकते हैं। अध्ययन अध्यापन दोनों में यह बहुत महत्वपूर्ण विधा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके उपयोग से जो शिक्षा का लक्ष्य है उसे पूरा करने में हम सफल होंगे। एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी के लिए जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जा रहा है, डॉक्टर शंकर रेड्डी कोल्हे को बहुत बधाई और साधुवाद। और जो लोग भी इसमें जुड़े हैं, विशेष करके हमारे विद्यार्थी, चाहे शोध छात्र हों अथवा यूजी पीजी के छात्र हों अथवा जो भी छात्र हों, उन सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।